Hey, what's up, traders? Welcome back to the channel. तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैटिक या पॉलीगॉन के बारे में. साथ ही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी परम पूजनीय बैंक SBI की तरफ से भी एक अपडेट निकल के आई है फिर से, ठीक है, फाइनली फिर से. और साथ ही इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन का भी क्या चल रहा है. ठीक है, आज मैंने सुबह मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर एक पोल डाला था कि भैया किस टॉपिक के ऊपर हमें वीडियो बनाना चाहिए, मैटिक के ऊपर, ADA के ऊपर या दोनों के ऊपर. तो 42% लोगों का मानना है कि भैया मैटिक के ऊपर बनाइए, मैटिक के ऊपर डिस्कस करिए. ठीक है, साथ ही जो भी अपडेट मार्केट से निकल के आती है वो सारे मैं अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहता हूं, सारी अपडेट्स को, पैटर्न वगैरह को, शॉर्ट कॉल्स वगैरह. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पहले ही देखने को मिल जाएगी मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर. कल भैया हैमर चल गया था, मतलब थोर का हथौड़ा चल गया था, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था. और सारी जो एंट्री एग्जिट पॉइंट थे 48K के अराउंड शॉर्ट कर रहा हूं, मैंने ये भी आपको बताया था. ठीक है, और हथौड़ा काम कर गया था. ठीक है, ये सारी अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी. साथ ही एच बार में भी लगभग यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 11% की इंक्रीमेंट देखने को मिली थी. और मैंने आपको कहा था कि भाई आपकी इच्छा है, आपको प्रॉफिट बुक करना है. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, वो देख लेना, ज़्यादा हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे. आपको टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ देखने को मिल जाएगा. टेलीग्राम चैनल के लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाके ज्वाइन कर लेना. SBI की अपडेट के बारे में हम बात कर लेते हैं फटाफट. मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि 16 मिनट के वीडियो को मैं 8 मिनट में करने की कोशिश करता हूं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्लॉक पेमेंट्स टू क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऑन UPI प्लेटफॉर्म. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये क्या न्यूज अपडेट है कि जो SBI के कस्टमर से, SBI के जो यूजर से, वो SBI की UPI के थ्रू एक्सचेंजों पर अब फंड नहीं कर पाएंगे. ठीक है, टेम्पररी, अभी परमानेंट इस पे कोई अपडेट नहीं निकल के आई है. बस इस तरीके से अपडेट आई है कि जो SBI का UPI है उसके थ्रू आप एक्सचेंजों पे फंड ट्रांसफर नहीं कर पाओगे. और आपको पता ही है कि ICICI बैंक भी कभी कभार ये पंगे करते रहता है. तो इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के जो कस्टमर से, वो अब SBI की जो UPI का फीचर है या फिर SBI की जो UPI है उसको यूज करके फंड ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे एक्सचेंजों पे. ठीक है, और ना ही फिर वो बाय एंड सेल कर पाएंगे. ये साफ साफ लिख रहा है, दिस मीन SBI बैंक कस्टमर्स कैन नॉट ट्रांसफर फंड बाय UPI टू क्रिप्टो एक्सचेंज टू बाय क्रिप्टो करेंसी इंक्लूडिंग बिटकॉइन. इन्होंने अभी साफ साफ कोई रीजन नहीं दिया, जैसा आप देख सकते हो. एन SBI स्पोक पर्सन वाज सेइंग इट इज द पॉलिसी ऑफ द बैंक नॉट टू कमेंट अपॉन मैटर रिलेटिंग टू दिस सब्जेक्ट मैटर. यानी कि अभी बैंक पॉलिसी का हवाला देते हुए इन्होंने कहा है कि हम इस पर कोई कमेंट करना नहीं चाहते. पता नहीं SBI का क्या पंगा होता रहता है, कभी RBI मेजर कंसर्न बताता है. ठीक है, तो आपकी क्या राय है SBI के इस डिसीजन पर, कमेंट करके जरूर बताना क्योंकि ये हमारी परम पूजनीय है. ठीक है, मैं तो स्पेशली परेशान हूं भाई इससे. अब हम बात कर लेते हैं मैटिक के बारे में. INR और USDT दोनों के ही पेयर में हम डिस्कस करेंगे. और मुझे पता है आप में से काफी लोग वजीरेक्स एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं, इसलिए मैं इसी का चार्ट आपको बता रहा हूं. पहले हम बात करेंगे USDT में, फिर हम बात करेंगे INR में, तो दोनों ही लोगों को समझ में आ जाएगा. ठीक है, पहले हम बात करते हैं USDT के पेयर में. अभी आप देख सकते हो कि मैं इसको 1 डे के चार्ट पर कर देता हूं. 1 डे के चार्ट पर अगर मैं इसको देखता हूं तो आपको कौन सा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, मुझे एक बार कमेंट करके बताइए. ठीक है, आपको मैं 5 सेकंड दे रहा हूं, 5 सेकंड के बाद में मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5. आई होप आपने गेस कर लिया होगा, नहीं भी कराया तो मैं बता देता हूं. देखो, टिक 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 टिक, कौन सा पैटर्न बन गया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न. ये आपको याद हो, इनवर्स हेड एंड शोल्डर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है. एक तो होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न और एक होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न. ठीक है, तो ये जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है काफी बुलिश पैटर्न होता है. और आपको पता हो कि एम शेप डबल टॉप पैटर्न, डब्ल्यू शेप डबल टॉप पैटर्न, ये क्या होते हैं पैटर्न, इसके बारे में मैंने आपसे कई बार डिस्कस करा है. तो अगर आप बिगनर भी हो ना तो आपको समझना चाहिए कि ये जो पैटर्न होते हैं वो बहुत कुछ आपको समझाते हैं कि जब भी ये पैटर्न बनते हैं प्राइस या तो काफी ज्यादा अप चली जाती है या फिर काफी ज्यादा डाउन चली जाती है. तो अभी मैटिक के चार्ट पर मुझे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है. इसका मतलब यह है कि यह काफी बुलिश पैटर्न है और हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो होता है वो काफी बियरिश पैटर्न होता है. बिगनर्स जो है उनके लिए थोड़ा सा मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं. अभी आप देख सकते हो इसको बोलते हैं नेकलाइन. ये वाला जो एक रेजिस्टेंस लेवल है इसको बोलेंगे अपन नेकलाइन, जो कि है 1.64. ठीक है, अगर मैटिक 1.64 के लेवल को ब्रेकआउट
कर देता है या फिर इस पर एक सपोर्ट बना लेता है तो ये जो पैटर्न है वो वैलिड हो जाएगा। और जब ये पैटर्न वैलिड होगा तब हमें प्राइस अप्रोक्स 2.59 यूएसडीटी के पास देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो 2.9 यूएसडीटी कितना बड़ा मैं आपको बता देता हूं, यहां से लेकर लगभग आपको 57% का पंप दिखा सकती है। और अगर हम इसको यहां से ले, ठीक है, इस वाले पैटर्न यहां से लेते हैं हम, यहां से आप देख सकते हो लगभग ये 108% का आपको पंप दिखा सकता है। ठीक है, तो अभी एक बुलिश पैटर्न बनता हुआ हमें दिख रहा है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन ये पैटर्न तभी वैलिड माना जाएगा जब 1.64 पर ये एक सपोर्ट बना लेता है। और इसी चीज़ को एफएक्स स्ट्रीट ने भी कवर किया है, जैसा आप देख सकते हो कि ये मैटिक जो है 110% तक का आपको पंप दिखा सकता है। और जो भी लेवल्स वगैरह थे वो भी इसमें साफ साफ बता रखे हैं कि बुलिश पैटर्न बन रहा है। ठीक है, 100% तक का ये आपको पंप दिखा है, 63% पर कंफर्म हो जाएगा अगर ये इस पर एक सपोर्ट बना लेता है, 2.63 तक का लेवल दिखा सकता है और ये काफी एक बुलिश पैटर्न है। ठीक है, तो सेम ये जो रिपोर्ट है इसमें भी यही चीज बताई गई है, यहां पर मैं आपको रेफरेंस के लिए बता देता हूं, जिस चीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वही चीज एफएक्स स्ट्रीट में भी बताई गई है। ठीक है, तो ये तो रहा एफएक्स स्ट्रीट के बारे में, अब हम बात करते हैं INR के पेयर में। INR के पेयर में मैंने एक साफ सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपके लिए बना दिया है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं जिससे आपको और क्लियर दिख जाए। ठीक है, ये रहा लेफ्ट शोल्डर, बीच में हेड और फिर राइट शोल्डर। तो अभी जो प्राइस है लगभग 112 रुपये पर ट्रेड कर रही है। ठीक है, 112 रुपये पर ट्रेड कर रही है, अगर ये 127 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, ठीक है, यानी कि इसको ब्रेकआउट करके इस पर एक और बार रिटेस्ट करके इस पर सपोर्ट बना लेती है। ठीक है, तो 127 पर सपोर्ट बनाने के बाद में ये आपको लगभग मैं आपको लेवल बता देता हूं, जस्ट अ मिनट, ये हमारा जो लेवल है इस वाले लेवल तक आपको प्राइस देखने को मिल सकती है जो कि है 209 रुपए, यानी कि आपको प्राइस 209 रुपए के तकरीबन देखने को मिल सकती है अगर ये 127 के ऊपर सपोर्ट बना लेती है, इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करके इसको अपना सपोर्ट बना लेती है। ठीक है, तो ये रहा मैटिक का चार्ट, और मैटिक के लिए मैं अभी आपसे यही कहना चाहूंगा कि 127 रुपए पर प्राइस को आने दीजिए, या फिर 127 पर अगर ये अपना सपोर्ट बना लेती है तब वहां से एक एंट्री बन सकती है। ठीक है, तो ये रहा मैटिक का चार्ट और मैटिक का एनालिसिस। फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा जब भी एंट्री बन रही है तो मैं आपको मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये तो हो गई भैया वज्रेक्स के चार्ट पर मैटिक के बारे में डिस्कशन, अब हम बात कर लेते हैं हमारे BTC के बारे में, BTC का क्या हाल चल रहा है। ठीक है, BTC के हम डिस्कस कर लेते हैं, BTC का चार्ट ये रहा, तो हमें एक एम शेप डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ दिख रहा था जो कि इनवैलिड हो गया। ठीक है, पैटर्न बनते भी है तो बिगड़ते भी है, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि भैया इनवर्स हेड एंड शोल्डर का भी आप ध्यान रखना। यहां पर आप देख सकते हो जो BTC है अभी लगभग 48,500 के लेवल को टच करने की बार बार ट्राई कर रही है और इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो अप्रोक्स 48,500 का जो एक लेवल है, बार बार प्राइस इसको रिटेस्ट कर रही है, इस लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही है, बट यहां से उसको रिजेक्शन ही मिल रहा है। ठीक है, तो अभी मैं कहना चाहूंगा कि पहले 48 के लेवल को आप ब्रेकआउट हो जाने दीजिए, या फिर जो BTC के बारे में अपडेट होगी वो भी मैं आपको लाइव मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज वीडियो बनने के बाद में, आप तक पहुंचने के बाद में, या फिर जब आप इसको देख रहे होते हैं तब काफी ज्यादा टाइम निकल जाता है, तो वो फिर अपडेट जो है वो काफी ज्यादा आउटडेटेड हो जाती है। इसलिए आपको मैं कहता हूं कि मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करा करो जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने दोस्तों डिस्कस करा BTC के बारे में, मैटिक या पॉलीगॉन के बारे में, और जो SBI की अपडेट निकल के आई थी उसके बारे में। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली होगी, कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ मोटिवेशन मिला होगा, और अगर वीडियो में आपको कुछ कमी लगी हो, कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि भैया आपके कंटेंट में इस तरीके से आप और इंप्रूवमेंट कर सकते हो, जिससे कि मैं आपको बेस्ट कंटेंट बिल्कुल इजी भाषा में समझाने की कोशिश करूं, जो प्रो हैं, जो बिगनर्स हैं, उन सभी को ये चीजें समझ में आए। ठीक है, तो रेट जरूर करना हमारे कंटेंट को 10 out of कितने जो भी आप देना चाहते हो, नंबर लिख देना 5, 10 या फिर 9, 8 जो भी आप देना चाहो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ काम का लगा होगा, तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, टिल देन बाय बाय।